लास्ट टाइम तुम्हें माइकल संजू नहीं बल्कि अनिल कपूर लग रहा था, तो इस बार सालमन भाई के लिए अच्छे से बनाते हैं। तो क्या पहनते हैं वो? यस, ये पहनते वो गाइस, मिल गया है। मस्त अरमानी की जीन्स और शर्ट्स यार, वो रिपीट नहीं करते, तो नए लेने जाते हैं डिक्सी स्कॉट बनियान में। फुली फैंटास्टिक। पहले मंजू आंटी अब हेयर कट कर दो, सलमान कट चाहिए। छपरी पोर के लगते हो? अरे क्या काटा है, लगता है आप जीवन में बहुत काटती हैं। और दाढ़ी? वाह, सर पे हाथ मार के दाढ़ी बना दी। जादू है, नशा है। थैंक्स, दबंग फोर की टिकट फ्री दूंगा। नहीं चाहिए। पहले ये दुकान ट्राई करते हैं। सो चीप, मैं विवेक ओबेरॉय हूँ क्या? गुंडों वाला चश्मा और मस्त शर्ट। अब लग रहा हूँ ना बिग बॉस होस्ट। बोल हुक्का हुक्का तेरे मुंह पे मुक्का। कमाल करते हो। सालमन भाई के पास बहुत गाड़ियां हैं जिससे वो पर पुलिस उन्हें कड़ी सजा देती है, जिससे बस $300 देके। नेक्स्ट मूवी में तू कटरीना की माँ, तू कटरीना की बहन। ये बहन बन बिना पूछे फोटो ले गए हैं। वो वीडियो नहीं देखी तूने मेरी? अरे बाबा। सालमन भाई किसी को ठीक करने एम्बुलेंस ले जा रहे थे, पर अफसोस वो फुटपाथ पे था। गाड़ी के इंटीरियर्स दिखा, निकल चल। अरे क्या कर रहे हो? मेरे फैंस ड्राइव लाइक मी। अरे पर चोट लगी क्या, दिखाओ। ये तो डियर नहीं है। सालमन भाई अपने नेक्स्ट मूवी में भी दुश्मन की वाट लगाते हैं, पर दुश्मन की एक भी गोली से उन्हें कुछ नहीं होता। इनफैक्ट वो दुश्मन की गाड़ी लेके भाग जाते हैं और खुद ही के घर में पार्क कर देते हैं। सालमन भाई टॉम क्रूज को कॉपी करते हैं, पर उन्हें पैराशूट खोलना नहीं आता। कौन है वे? तेरा बाप। ए, तुम लोग नेक्स्ट मूवी में गुंडे बनोगे क्या? फाइट सीन ऑडिशन लेते फिर। तुम तो मेरे से भी बेटर एक्टिंग कर लेते हो यार। इतने अच्छे मरने की एक्टिंग तो मेरे मरे हुए दोस्त ने भी नहीं की थी। फोन लगाता हूँ डॉक्टर फ्रेड को। हेलो, दबंग फोर के एक्टर्स मिल गए, इन्हें तो ऑस्कर मिल जाएगा। ओए, प्ले माय सॉन्ग्स। नाइस म्यूजिक टेस्ट ब्रोस। कैसी हो कटरीना? नाच के दिखा।